प्यारे दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक है, बहुत ही जानकारी भरा हुआ है। आपको अगर जानवरों से प्यार है और आप भी इन जानवरों को पाल रहे हैं अपने घर में, यकीन मानिए आप अपने भाग्य का हिस्सा उस जानवर को खिला रहे हैं, विशेषकर अपने पुत्र के भाग्य का हिस्सा आप उस जानवर को दे रहे हैं, आप अपने पुत्र के भाग्य को निर्बल कर रहे हैं। जानवर पालना अच्छी बात है, पालना चाहिए, पालने से ज्यादा उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको अगर आपको किसी को बांध के रखते हैं आप, तो यकीन मानिए आप उसे आजादी नहीं दे रहे हैं, आप उसको और बंधन में रख के उसके जीवन को और नरक में बना रहे हैं। वो कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर हो, आप खिलाते पिलाते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जानवरों को अपने घर में नहीं पालना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो का आज विरोध करने वाले हैं, मुझे पता है। बहुत सारे लोग मुझे भर भर कर लिखने वाले हैं कि आप ज्ञान मत बांटिए, या आप ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। मैं आपको ये ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर बता रही हूँ, बहुत सारी कुंडलियों में देखने के बाद बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन कर चुकी हूँ और ये तथ्यों पर आधारित है, ये ऐसे ही मनगढ़ंत बात नहीं है। तो ये कौन सा जानवर है, क्या पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सभी कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जानवर है कुत्ता या बिल्ली, इन्हें अपने घर में पालना चाहिए नहीं पालना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपकी इस जानकारी को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, पालने चाहिए, वो आपकी मर्जी, वो आप देखिए कि वो आपको कितना सूट कर रहा है। आपको कुछ दिन लगेगा कि बहुत अच्छा आपको इससे लाभ मिल रहा है, कुछ दिनों बाद यकीन मानिए 150% ये आपको हानि ही पहुंचाएगा। अब मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाली हूँ। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी यशोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को केतु ग्रह से जोड़ा गया है, साथ में शनि ग्रह से जोड़ा गया है, बिल्ली को राहु ग्रह से जोड़ा गया है। यानी अगर आप बिल्ली पाल रहे हैं तो अपने घर में आप राहु की पालना कर रहे हैं, और कुत्ता पाल रहे हैं तो यानी केतु की पालना कर रहे हैं, या आप शनि को, जो केतु और शनि मिलकर कुंडली में प्रेत बाधा बनाते हैं, यानी पितृ दोष बनाते हैं, बेवजह के आपके जीवन में संकट पैदा करते हैं, इस तरह के योग बनाते हैं। कुत्ता पूर्ण रूप से केतु ही होता है। आपकी कुंडली में जहां केतु ऊंचाइयों का कारक होता है, आपके लिए मोक्ष का कारक होता है, आपके लिए ज्ञान का कारक होता है, आपके धन समृद्धि का कारक होता है, आपके पुत्र का कारक भी केतु ही होता है। आपकी कुंडली में अगर केतु कमजोर है तो आपको पुत्र की संतान की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्र से वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो आप चाहते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो केतु को स्ट्रांग करने के लिए कुत्तों की सेवा बताई जाती है, यानी कुत्तों को अधिक से अधिक फीड कराइए, कुत्तों को खिलाइए, लेकिन वो घर में पालकर नहीं, स्ट्रीट डॉग यानी कि जो आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं उनकी सेवा से आपको वो फल मिलता है कि आपको अपने पुत्र का सुख मिलता है, कुंडली में आपके पुत्र का योग बनते हैं, और इससे आपके घर में केतु आपका मजबूत होता है और आपको दिनों दिन तरक्की ऊंचाइयां मिलती हैं। केतु आपका खराब होता है तो आपको भ्रामक रोग हो जाते हैं, शरीर में ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जो डॉक्टरी पकड़ में नहीं आते हैं। आप लाख अपने टेस्ट करा लीजिए, किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप परेशान हैं, ये केतु खराब की निशानी है। लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता जो केतु और शनि दोनों का प्रभाव आपके घर के अंदर ले आता है। जन्म कुंडली के उन 9 ग्रहों में शनि राहु केतु, इन 3 ग्रहों से हर कोई व्यक्ति बचकर रहना चाहता है, क्योंकि तीनों ही ग्रह क्रूर और पापी हैं। ये जीवन में सिर्फ और सिर्फ चीजों को डिले करते हैं, आपको दिलाने में झटके से दिलाएंगे जरूर, वापस आपसे छीन भी लेते हैं, क्योंकि आकस्मिकता का कारक है। आपको लड़ाई झंझे झड़गट और आपको जगह जगह फंसाने वाले ग्रह भी ये राहु हैं। राहु आपको कोर्ट कचहरी जेल इत्यादि वहां पहुंचाने का काम करता है, शनि उसमें आग का घी का काम करता है, और केतु भी यही कार्य करता है, आपको भ्रमित करता रहता है। लाभ के रास्ते आपके सारे बंद हो जाते हैं, पुत्र से मिलने वाला सुख भी आपका चला जाता है इन ग्रहों के एक्टिव हो जाने से। कुत्ता जो कि बीमारियां भी देता है, आप अपने घर में पाल रहे हैं तो एक तरह से आप अपने केतु को निर्बल कर रहे हैं। आपने केतु को पाला, आप उसको अपना भोजन दे रहे हैं, इसका मतलब अपने बच्चे के भाग्य का, अपने पुत्र के भाग्य का आप उसको जो भी खिला पिला रहे हैं, वो सानो सौकत की जिंदगी वो उसको मिल रही है। आपने कुत्ता, आप किसी को कुत्ता बोल देते हैं तो ये गाली हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति आपसे अगर कुत्ता कहने पर चिढ़ जाता है।
या आपने डायलॉग सुने होंगे, फिल्मों में भी आपने डायलॉग सुने हैं, कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते कमीने, ये सारी गालियां ही हैं जो कि लोग आम भाषा में देते हैं। तो कुत्ते कुत्ते को बहुत अच्छा, ज्योतिष शास्त्र में भी कुत्ते को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहां तक कि गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि कुत्ते की योनि कब मिलती है व्यक्ति को, जब उसके बहुत अधिक पाप कर्म पड़ जाते हैं। कुत्ता खाता क्या है? अंडा है, मांस है या फिर हड्डियां हैं, ये इसी तरह की हिंसक चीजें खाता है। नौ जो मतलब किसी तरह से भी आपके लिए, जिन चीजों को सोचना भी आपके लिए आपको घृणा दे जाता है, ऐसी चीजों का सेवन करता है। कुत्ते की लार से आपने भी सुना होगा, जब कुत्ता काट लेता है तो आपको इंजेक्शन लगते हैं। वो इंजेक्शन क्यों लगते हैं? क्योंकि वो केतु है, केतु जब भी पीड़ा देता है तो आपको शरीर में कट लगवा देता है, टाके लगवाएगा, सुई लगवाएगा, खून निकलवाएगा। तो ये कुत्ते के काटने पर ये सारी चीजें होती हैं। आप इसे लॉजिक समझे ना समझे, आप समझिए कुत्ता घर में रहने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कुत्ते के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं गर्दन इत्यादि पे, तो उसमें से वो जो कीड़े हैं वो उड़ उड़कर आपके खाने में आते हैं, ये आपको कैंसर जैसी बीमारी दे जाते हैं। इनके बाल खाने में जाने पर आपको पेट के रोग दे जाते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, क्योंकि वो कुत्ता आपके बिस्तर पर भी घूम रहा है, आपके घर में भी घूम रहा है, जगह जगह घूम रहा है, उससे बाल झड़ रहे हैं उसके, तो ये और जगह जगह उसकी लार भी गिर रही है। आप कितनी भी लाख सफाइयां करा लें फिर भी कुत्ते के जर्म्स आपके घर में रह ही जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ये आपके ऊपर छोड़ती हूं कि आपको कुत्ता पालना है नहीं पालना है। ज्योतिष शास्त्र में हमेशा केतु को ठीक करना है, अपने ग्रहों को बल देना है, अपनी बुरी दशाओं से बचना है। मान लीजिए आपकी राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, तो स्ट्रीट डॉग यानी सड़क पर जो आवारा कुत्ते घूम रहे उनकी सेवा करिए, ना कि अपने घर में लाकर कुत्ता पालिए। बहुत सारे लाल किताब में उपाय दिए गए हैं कि ब्राउन कलर का कुत्ता पाल लीजिए, ब्लैक कलर का कुत्ता पाल लीजिए या व्हाइट कलर का कुत्ता पाल लीजिए। दोस्तों व्हाइट कलर का कुत्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है आपके पालने से। कैसे? क्योंकि व्हाइट कलर ये चंद्रमा है, कुत्ता केतु है और साथ में शनि का भी द्योतक है, ये आपकी कुंडली में विष दोष बना देता है और आपको मानसिक तनाव आपका दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। हालांकि कुत्ता पालने से आप कहेंगे कि वफादार है, वफादारी एक जगह है दोस्तों, लेकिन इससे जो आपका चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, जहां आपके अंदर भय की प्रवृत्ति हो रही है, आपको डर लगने लगता है, कुछ समय आपको लगता है कि ये कुत्ता आपने पाला है तो कुछ चीजें आपकी बनने लगी, आप बड़े खुश होते हैं कि इस कुत्ते ने तो बड़ा भाग्यशाली आकर मेरा काम बनाने लगा, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही आपकी विपरीत दशाएं आती हैं, आप पाते हैं कि आप अब विभिन्न जो आपके कार्य बन रहे थे वही आप बिगड़ने लगे, रास्ते आपके बंद होते जा रहे हैं, पुत्र के साथ में आपके अच्छे संबंध नहीं हो पा रहे हैं, पुत्र की पढ़ाई में विलंब हो रहा है, बहुत सारी चीजें आप फेस करेंगे दोस्तों। तो आप देखिए कि आपको पालना है या नहीं पालना है। अगला बिल्ली, बिल्ली जो कि राहु का कारक होती है, बिल्ली ये सोचती है कि किसी व्यक्ति की नजर बचे और वो उसके भाग्य का खा जाए, वो सबसे पहले दूध पर झपट्टा मारती है, दूध यानी चंद्रमा। तो बिल्ली के पालने से आपका चंद्रमा भी खराब होता है और राहु घर में जब आपके पैर पसार लेता है तो आपको विवादों में फंसाना शुरू कर देता है, जगह जगह आपको फंसाना शुरू कर देता है, आपको बदनामियां दिलाता है, आपको जैसे जिसको बोलते हैं बेवजह के विवादों में फंसाना शुरू करता है, आपकी कोई गलती नहीं है वहां भी आप फंस जाते हैं। तरह तरह के कार्य आपके विलंबित होते हैं, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई डिले हो रही है, या आपके घर में अगर आप बिल्ली आकर दूध पी के जा रही है वो भी अपशगुन है। आप बिल्ली के लिए बाहर दूध निकाल के रख सकते हैं, बाहर की बिल्लियां आपके यहाँ आकर दूध पी जाती हैं आपके घर से बाहर, वो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में बिल्ली आकर बार बार दूध पी रही है तो ये अपशगुन है। आप मान के चलिए कि आपको बड़ी धनहानि होने वाली है, चंद्रमा आपका पीड़ित होने जा रहा है, आपके धन के मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं और कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना का संकेत है। इसीलिए बिल्ली के लिए मना किया जाता है कि राहु को बेवजह ही, हर व्यक्ति चाहता है कि राहु उसका शांत रहे, घर में राहु का प्रवेश ना हो, इसीलिए बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में अपने घर से कबाड़ निकाल दीजिए, कूड़ा करकट निकालिए, पुरानी जंग लगी वस्तु हटाइए, क्योंकि ये राहु को बढ़ाती हैं। अब आप बिल्ली ला रहे हैं अपने घर में तो यकीन मानिए कि आप अपने हाथों से अपनी बर्बादी का सौदा अपने घर में ला रहे हैं। विदेशों में बहुत सारे लोग बिल्लियां पालते हैं, ये वहां का कल्चर है, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली का कहीं जिक्र नहीं है। घर में बिल्लियां पालनी चाहिए, देखने में खूबसूरत लगती है, ये एक बात है। आप इन बिल्लियों को
आप कहीं भी इनके लिए एक शेल्टर बनवा सकते हैं, वहां पर जंगली बिल्लियां रहें, आप उनको दूध ब्रेड देते रहिए, वो है ठीक है, घर में बिल्लियां बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए। सो दोस्तों, दो जानवरों को हमेशा अपने घर से दूर रखना चाहिए। आपको पालना है तो अपने घर में आप चाहे तो गाय पाल सकते हैं, चाहे तो कछुआ ला सकते हैं, तोता पाल सकते हैं, जो कि समृद्धि बढ़ाते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है या आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप हरे कलर का तोता, आप तो कलर बहुत सारे कलर के तोते आते हैं, ग्रीन कलर का तोता आप अपने घर में लाकर पाल सकते हैं, या आप अपने घर में उसको छोड़ सकते हैं, कुछ दिनों के लिए लाइए पालिए उसके बाद उड़ा दीजिए, या नियमित आप गाय को खाना दे दीजिए। अपने घर में नहीं पाल सकते हैं आजकल, क्योंकि वैसे भी फ्लैट सिस्टम छोटे घर है, डेली गाय के लिए कुछ भाग निकालिए, उसको गाय को देते रहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है तो गाय को चारा देते रहिए। कछुआ पाल सकते हैं, कछुआ आसानी से घर में पल भी जाता है, जिसे आप टब में डाल सकते हैं पानी के माध्यम से, जो कि माता मां लक्ष्मी के पति के धन में घर में सुख समृद्धि और शांति लाता है। आप मछलियां पाल सकते हैं, गोल्डन फिश है, तरह तरह की फिश आती हैं, इन्हें आप पाल सकते हैं, ये जल में रहते हुए आपके चंद्रमा को बलि करती हैं, राहु को शांत करती हैं, तो आप मछलियां भी प्रॉस्पेरिटी के लिए पाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तोता पाल सकते हैं, खरगोश भी पाल सकते हैं। दोस्तों, अब मेरे अमृत की बूंद और जादू अक्षर, जो कि नौ ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करती हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं और आपको क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, घर में भी आपके सुख समृद्धि का वातावरण बनने लगता है, भाग्य का साथ मिलता है। 25 मई 2022 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:15 से 1:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, बुधवार है, आज अभिजीत बूंद का कोई समय नहीं है। दोस्तों, आज की अमृत की बूंद में आपको चुटकी भर, दो चुटकी फिटकरी अपने नहाने के पानी में मिक्स करिए, इस पानी से नहाइए, दिन भर आप तरोताजा रहेंगे। इस गर्मी के मौसम में आपको हफ्ते में एक बार फिटकरी डालकर जरूर नहाना चाहिए, जिससे कि आपको स्किन की किसी भी तरह की कोई एलर्जी ना हो, आपका बुद्धि भी प्रबल होता चला जाए। आज का जादुई अक्षर है का, कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ में नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना फाड़। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। इसके पे 7 मिनट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य करिए। अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो में क्या समझ में नहीं आया उसके लिए आप मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी अन्य विषय पर चाहते हैं वो भी आपको YouTube के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई एक विषय, कोई एक क्वेश्चन ऐसा जिसे आप जानना चाहते हैं और बाकी लोग भी उसको आंसर सुनकर अपनी उस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, वो भी आपको YouTube के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। अपने बारे में जानकारी चाहिए, कोई एक क्वेश्चन, कोई एक सवाल, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, ये चारों चीजें एक क्वेश्चन के साथ आप मुझे सेंड कीजिए। संडे वाले वीडियो में रेंडमली सेलेक्ट होने पर आपको वहां आपका आंसर जरूर मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस आपको मेरे पसंद आ रहे हैं तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, खुद भी खिलखिलाइए, लोगों को भी खिलखिलाने दीजिए, अपने जीवन में बाहर लाइए, क्योंकि मायूस तो हर कोई है। हर कोई व्यक्ति दूसरे की तरक्की से को खुश होते हुए नहीं देख सकता, तो आप अपने आप में खुश रहिए, बाकी ईश्वर पर छोड़िए। धन्यवाद।